हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस समय हूँ मैं बलिया के इस पार्क में, जो शायद मोस्टली लोग जानते होंगे। और यहाँ पे मैं आया था अपने इंस्टाग्राम के फ़ोटोशूट के लिए। तो जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, वो जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी मैंने पिक्चर क्लिक करी है, वो सारी की सारी आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी। हालांकि ये पार्क मैं आप सभी लोगों को दिखाता, लेकिन उतना ज़्यादा कोई खास नहीं है। लेकिन एक बार मैं राउंड आपको 360 व्यू दिखा देता हूँ कैसा है, कुछ इस तरीके का है। और सामने यहाँ पे की कंस्ट्रक्शन है, जो अभी बन रहा है, पूरी तरह से बना नहीं है। और इस तरीके से कुछ पार्क यहाँ पे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। कुछ यही सारी चीजें थी जो यहाँ पे है। और इसके बाद मैं जाने वाला हूँ बलिया सिटी के अंदर। सो वहाँ की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। हो सके तो अगर फूड व्लॉग्स होगा तो मैं आपको फूड व्लॉग दिखाऊंगा, और जो भी पॉसिबल होता है वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। तो चलते हैं बलिया सिटी पे, और यहाँ के अगर कुछ शॉट्स आपको पॉसिबल हुए मेरे को दिखाना तो वो भी दिखाता हूँ। एक तो यहाँ पे आने का रास्ता नहीं है, निकलने का रास्ता। सामने गेट बंद है, और इसको करते हैं बाय बाय। हालांकि अगर कोई फोटो शूट वगैरह करना चाहता है तो यहाँ पे आ सकता है, काफ़ी अच्छी जगह लगी। लाइटिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पे जाने का रास्ता एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को, ये कुछ ऐसा है। तो और यहाँ पे एक मंदिर है, और वो भी दिखाता हूँ मैं आप सभी लोगों को। काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे फोटोशूट के लिए। तो यहाँ पे एक मंदिर है, मैं वो दिखाता हूँ ज़रा आपको, कुछ ऐसा है। ये मंदिर है माँ जय गमहरी बाबा। और इसके अलावा ये बाहर के सीन में आपको दिखा चुका हूँ, ये जीप। और ये है कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी बलिया। यहाँ की एक चीज और है, यहाँ पर आप आके पौधे वगैरह भी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा है ये, और प्रॉपर इसकी जो वीडियो है मैं वो तो नहीं शो करने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग आते हैं फोटोशूट के लिए यहाँ पे, देख सकते हैं फोटोग्राफी चल रही है। लोग काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे, हाँ यूट्यूब, और काफ़ी सारे लोग आते हैं इस तरीके से यहाँ पे फोटोशूट के लिए। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस कहूँगा, अगर आप हैं बलिया से तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ की जो वीडियो को आप करते हैं ख़त्म, अब चलते हैं बलिया सिटी में। तो डिजाइन कौन करता है कपड़े यहाँ पे? अच्छा, तो आप लोग रिटेल सेल करते हैं या फिर होलसेल? बलिया में सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पर आया था। जो SC कॉलेज है उसके पीछे एक ये स्वदेशी मेला लगा हुआ है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये कैसा है मेला।
यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं जो लद्दाख की है, सहेजलान खाद्य ग्राम उद्योग। जैसे कि आपको टाउन हॉल रोड पे मैंने जो खाद्य उद्योग वाला व्लॉग दिखाया था कुछ उसी तरीके का है, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। एक बार दिखाता हूँ जरा, यहाँ पे आदर्श ग्राम उद्योग। यहाँ पे देखा जाए तो काफी सारे कश्मीरी लोग आए हुए हैं, बिंदी यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे सारी की सारी चीजें स्वदेशी हैं, यानी इंडियन चीजें। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ये मेला एंड कब होने वाला है। अब फायदा नहीं है ना, अब तो मेला खत्म हो गया। नहीं चल रहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाँ तो अब तो खत्म हो गया, अब फायदा क्या है घुमा के। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं आया हुआ था यहाँ बलिया में, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे स्वदेशी मेला लगा हुआ है, पर मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ देखा कि बिल्कुल एंड सीजन चल रहा है। सो मैंने यहाँ का व्लॉग है वो बनाया नहीं। होप कि जो वीडियो थी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, और करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म।